इंटरनेट के दौर में वायरल होना एक आम बात हो गई है। अभी बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रहा, ये गाना वायरल हुआ और बच्चा स्टार बन गया, आपने देखा होगा बहुत जगह। लेकिन आज हमें कैसे बच्चे की बात करने वाले, जो इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, इन सब के आने से पहले, इन सबसे पहले सिनेमा के भव्य बनने से पहले वायरल हुआ था भारत में, जिसको भारत का पहला सिंगिंग सुपरस्टार कह सकते हैं, जो मात्र 14 साल की उम्र में दुनिया से चला भी गया। आज हम बात करने वाले मास्टर मदन की, क्या थी उनकी अद्भुत लेकिन दुखद कहानी। तो आप देख रहे हैं इंडियन पॉपुलर कोड, मैं हूं आपका दोस्त अनिमेश। मास्टर मदन 1927 में पैदा हुए पंजाब में, और उनके पिता, उनके बड़े भाई, इन सबको संगीत का शौक था, और 2 साल की उम्र में उनकी तालीम शुरू हुई। 2 साल की उम्र में जहां बच्चे बोलना सीखते हैं, उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया, उनकी प्रतिभा ऐसी थी। और 3.5 साल की उम्र में उन्होंने पहला परफॉर्मेंस दिया ऑडिटोरियम में, इन्होंने जिसमें उन्होंने राग मिश्र काफी में एक बंदिश सुनाई, ठुमरी सुनाई, और इसके अलावा जो शबद कीर्तन होता है वो सुनाया, और लोगों के बीच में उनका क्रेज बन गया, लोग उनके पीछे पागल हो गए, दीवाने हो गए, सब बताया था, और भारत भर में उनके शो होने लगे। शिमला में रहते थे उस समय उनके पिताजी, और क्रेज इतना ज़्यादा था, आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि शिमला में एक बार गांधी जी आए थे अपना प्रोग्राम देने के लिए, और 1930 के दशक की बात होगी, 30 के दशक में जब गांधी जी की लोकप्रियता थी, उस पर कोई मतलब शक ही नहीं है, और उस कार्यक्रम में ज़्यादा लोग पहुँचे नहीं। बाद में पता चला क्यों नहीं पहुँचे, क्योंकि उस दिन मास्टर मदन कहीं पर परफॉर्म कर रहे थे, तो उनको सुनने सारी भीड़ चली गई थी, गांधी जी को सुनने नहीं आई थी, इतना क्रेज था मास्टर मदन का। कुंदनलाल सहगल, जिनके नाम पर सहगल युग है भारत में, और किसी सिंगर के नाम पर युग नहीं है। तो सहगल जो क्या कहते हैं, लेजेंड माने जाते हैं म्यूजिक के, सिंगिंग के, प्लेबैक सिंगिंग जिन्होंने भारत में शुरू की, वो खुद मास्टर मदन का फैन बताते थे अपने आप को। मास्टर मदन के साथ शिमला में उस समय पर सहगल फिल्मों में नहीं गा रहे थे, कई उनके साथ परफॉर्मेंस में सुना करते थे, गाया करते थे। इसके बाद भारत भर में उनके प्रोग्राम होने लगे, वो लगातार सफ़र में रहने लगे, और उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। 8 साल की उम्र में आके वो रेडियो पर प्रोग्राम देने लगे, और लगातार प्रोग्राम देते थे, लोग उनके प्रोग्राम सुनते थे। हुआ क्या कि इस बीच में कई कहानियां हैं इस बारे में, तो बताया जाता है कि लोग उनसे चलने लगे, एक कहानी ये है, और उनको कुछ स्लो पॉइजन दे दिया। दूसरी कहानी ये है, उनसे इतना ज़्यादा उनके परिवार वाले पैसे के चक्कर में काम लेने लगे कि उस बच्चे की जो ज़िंदगी थी वो सेहत उसकी ख़राब होने लगी। एक्चुअल में क्या हुआ था, हो सकता है दोनों बातें सही हो सकता है कोई तीसरी बात हो। ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम था, और मास्टर मदन की उम्र लगभग 13-14 साल की थी, वो प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने ठुमरी गाई, मेरी बिनती सुनो, और ये जो ठुमरी थी इसको गाने के बाद वो मास्टर साहब जो थे, मास्टर मदन जो थे, वो वहीं की जो कैंटीन, क्योंकि बच्चा ही तो था, उम्र तो बच्चों वाली ही थी, तो वहाँ की कैंटीन से दूध पिया करते थे। कोई बताता है कि उसमें पारे वाला दूध पिला दिया गया, कोई बताता कुछ और खिला के दिया गया उस दूध के साथ। बहरहाल उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई और उनकी आवाज़ बंद हो गई, वो गाना नहीं गा पाए। उसके बाद उनके कुछ समय के अंदर ही उनकी मौत हो गई। मास्टर मदन का अगर आपने गाना उनकी आवाज़ में ना सुना हो, लेकिन उनका एक गाना आपने ज़रूर सुना होगा, आइए आप जाइए, आप ही जाइए, यूँ ना रह रहकर हमें तरसाइए। ये गाना बाद में आशा भोसले ने भी गाया, बहुत सारे सिंगर्स ने गाया, इसके बहुत सारे रीमिक्स भी बने, लेकिन जो ओरिजिनल है ये मास्टर मदन का गाना है, आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं, अभी भी अवेलेबल है। शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि उन्होंने सिर्फ 2 गाने गाए हैं, एक रिकॉर्ड में थे, बाद में लोगों ने ढूंढा तो पता चला 10 गाने गए। बहुत ही शुरुआती समय की बात है, तो उस समय के रिकॉर्ड्स और उस समय चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं है। HMV ने बाद में जब भूले बिसरे गायकों की जो लिस्ट जारी की थी 2000 के आसपास, उसमें मास्टर मदन का गाना भी था। तो अगर आपने ये गाना नहीं सुना है, आइए आ जाइए, आप ही जाइए, यूँ ना रह रहकर हमें तरसाइए, तो इसको ज़रूर सुनिए। वैसे आपने सुना ज़रूर होगा किसी और की आवाज़ में, एक बार मास्टर मदन की आवाज़ में भी सुनिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। देखिए, नमस्कार, धन्यवाद।